दोस्तों अगर आप 66 गेम खेलते हो तो आपने ब्लू सेव पर क्लिक किया है, आपको 100% एक प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही होगी। या तो आपका विड्रॉल रिजेक्ट हो गया होगा, या फिर जो आपका विड्रॉल है वो प्रोसेसिंग में होगा, या फिर आपका जो विड्रॉल है कंप्लीट हो गया होगा लेकिन बैंक अकाउंट में नहीं आया है। अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो आपने ब्लू सेव पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में आपको एक जर्मन तरीका बताऊंगा जिसकी मदद से आप जो इस प्रॉब्लम को 100% सोल्व कर सकते हो। तो क्या तरीका है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको हमेशा की तरह वीडियो सोच लेकर एंड तक देखने बिना स्किप किए। वीडियो बहुत ही छोटी एंड सिंपल होगी, तो चलिए मैं आपका ज्यादा समय बर्बाद नहीं करता हूँ, वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो ये वाला पेज ओपन कर लेना है। अब ये सोच रहे होगे ये वाला पेज ओपन कैसे करना है, तो आपको जो है मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मेरी आईडी है संकेत1666, मैं आपको लिंक दे दूंगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको ये देखिए एक ऑप्शन नजर आ रहा होगा प्रॉब्लम, फिर उसके नीचे लिखा प्लीज एंटर। आपको यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम लिख देनी है, अगर आपकी प्रॉब्लम रिजेक्टेड से रिलेटेड है तो आपको लिख देना है माई विड्रॉल इज रिजेक्टेड, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम प्रोसेसिंग से रिलेटेड है तो आपको लिख देना है माई विड्रॉल इज प्रोसेसिंग, अदरवाइज आपकी जो प्रॉब्लम है मतलब आपका जो पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया, विड्रॉल कंप्लीट हो चुका है, तो आपको लिख देना है माय विड्रॉल इज कंप्लीटेड बट नॉट रिसीव्ड इन बैंक। फिर उसके बाद देखिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा मेंबर आईडी का, यहां पर जो है अपनी आईडी दे देनी है, जो भी आपकी आईडी है। फिर उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। इससे होगा क्या, जो आपकी प्रॉब्लम है वो कस्टमर केयर के पास पहुंच जाएगी, जिस वजह से आपका जो विड्रॉल है वो रिजेक्ट किया है वो रीजन बता देंगे और आपकी प्रॉब्लम जो है 100% सोल्व हो जाएगी। तो कैसे लगी आपको विड्रॉल, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक मेरे पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मेरी आईडी है संकेत1666। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैसेज आपको सुनाता रहता हूँ।